बंगाल की बात करते हैं, जहां बीजेपी और टीएमसी में वीडियो वॉर शुरू हुआ है। बंगाल चुनाव के लिए कल टीएमसी ने अपना स्लोगन और गाना लॉन्च किया था, जिसमें ममता को बंगाल की बेटी बताया गया है। बीजेपी ने तृणमूल के इस नारे पर अब तंज कसा है और वीडियो के जरिए ही निशाना साधा है। बीजेपी की वीडियो की थीम है गो पीसी, यानी बुआ अब तुम जाओ। बीजेपी का गाना इटली के लोकगीत बेला चाओ पर आधारित है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्विटर पर यह गीत साझा किया। तृणमूल ने अपने स्लोगन में कहा था कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, लेकिन अब बीजेपी ने तृणमूल के उस स्लोगन पर तंज कसा है ये वीडियो जारी करके। देखिए, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल टीएमसी ने अपना नया चुनावी स्लोगन जारी किया कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। दूसरी तरफ बीजेपी ने वीडियो जारी करके उस पर तंज कसा। अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट किया जिसमें पीसी जाओ का जिक्र है। पीसी मतलब बंगाल की भाषा में अगर बात करें, बंगाली में बात करें, तो बुआ को कहते हैं, यानी कि बुआ अब तुम जाओ। ये बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी करके कहा जा रहा है, एक तरीके से तंज कसा जा रहा है टीएमसी के उस स्लोगन पर जिसमें कहा गया कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। तो अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में, लेकिन एक दूसरे पर वीडियो वॉर भी अब शुरू हो गई है। एक तरफ टीएमसी ने अपना चुनावी स्लोगन जारी किया कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, कल ही टीएमसी ने यह स्लोगन जारी किया था, और अब बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी करके निशाना साधा गया है पीसी जाओ। मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त जुड़ गए हमें मेरे साथ, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कुंतल, बड़ा सवाल यह है, एक तरफ वीडियो वॉर हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो कुछ परिवर्तन यात्रा में हुआ, बीजेपी उसके जरिए टीएमसी पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। आखिर अभी चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, होना है और शायद बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं ये सब कुछ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, इसका ये तो थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन ये तो हम लोग बहुत दिन इसके बारे में बात किया इससे पहले भी, ये जो हिंसा हो रही है। लेकिन वीडियो वॉर की बात करें तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ मुझे दिखाई दिया है, वो ये है कि बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है बेला चाओ, जो इटालियन गाना है, अब देखें तो बीजेपी भी समाजवादी गाने का सहारा अब ले रहे हैं, क्योंकि बंगाल की इतिहास आप अगर देखें तो इससे पहले 70 दशक, 80 के दशक, 90 के दशक बंगाल में सीपीएम के जो गणसंगीत होता था, वो मतलब लोगों को भीड़ इकट्ठा करने में, मतलब रैली में, रोड शोज में भीड़ इकट्ठा करने में मदद करता था। तो आज हालात बदला है, आज बीजेपी भी वो उस तरह के गाने का सहारा ले रही है, और वो भी एक ऐसा गाना जो इटली में एक सोशलिस्ट सॉन्ग है, क्योंकि पहले स्पेन से अमेरिका, उसके बाद यूरोप के अलग अलग देशों में जो सोशलिस्ट गाने जो पॉपुलर हुआ था, उसको बाद में बंगाल की संस्कृति में सीपीएम ने लेकर आई थी। लेकिन अब बीजेपी भी उस तरह के सोशलिस्ट गानों का ट्यून लेके, उसके सहारा लेके, उसका जो लाइन है उसको बदल के अपना गाना बना रही है। अब देखना ये गाना कितना हिट होता है और आगे बीजेपी की रैली और रोड शोज में कितने लोगों को इकट्ठा करता है। ये बड़ी बात है कि गाने और वीडियोस तो पार्टियां जारी करती रहती हैं, लेकिन जनता उनको कैसे लेती है ये भी देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका कुंतल इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।